हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों से अपना एक ड्रीम शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बहुत सब लोगों का कोई ना कोई ड्रीम जरूर होता है। आप लोगों का भी ड्रीम रहा होगा कि शायद बहुत सारे ड्रीम आपके और भी रहे होंगे, और अभी रीसेंट में आपका ड्रीम चल रहा होगा कि नीट 2020 को आप क्लियर करें और डॉक्टर बनने की तरफ एक कदम आप अपना बढ़ाएं। तो देखिए, वैसे ही हमने भी एक ड्रीम रखा, मैंने और आर्यन ने, कि हम चाहते थे कि आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको बायोलॉजी के अंदर एक रास्ता चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने एक बुक डिज़ाइन की जिसमें हम लोगों ने वही चीज़ें जो हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि माइंड चार्ट्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़िए, आपको लर्निंग इंप्रूव करनी होती है। बायोलॉजी में बहुत थ्योरी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कितना इजी वे में सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो याद हो जाए, बिकॉज बायोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो हम लोगों ने उसी को लेके काम शुरू किया और हमारा सपना जो है वो साकार हो गया। हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट वॉन्टेड बुक, और आज ये मेरे हाथ में है। मैं बहुत खुश हूं इसको पकड़ के, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत की है हम लोगों ने इसको डिजाइन करने में। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसे फॉलो करिए, देखिए ये कैसी है। अब ये अवेलेबल है अमेज़न पे, तो आप वहां से इस बुक को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक, और वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और उसी में मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है वो एक यूनिट की तरह फंक्शन करती है, एक साथ मिलकर काम करती है। जैसे कि मैं पूजा हूं तो ये भी पूजा का पार्ट है, ये भी पूजा का पार्ट है, राइट। मेरी टंग में जो बोल रही हूं वो भी पूजा का पार्ट है, बट ये सारे के सारे ऑर्गन जितने भी हैं वो एक समय पर हमें बोल रहे हैं कि एक साथ कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, कैसे हमारे सेम टाइम के अंदर हम ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, कैसे हमारे सेम टाइम पे हमारी बॉडी की हर सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म भी कर रही है, सेम टाइम पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने कुछ खा के और एंटर किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो वो डाइजेस्ट भी हो रहा है मेरे अंदर। तो ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं जो एक टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई, हम बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए, और हम सबको हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट फॉर्म में आगे बढ़ा काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वही सिस्टम है हमारा केमिकल एंड न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम को हमने कल डिस्कस किया। आप जानते हैं कि न्यूरल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्दी इमीडिएट हमें उसका रिस्पांस मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको चूटी काटूं तो आप फटाक से, हो सकता है मे बी आह करके चिल्लाएं, या फिर हो सकता है कि आप मुझे थप्पड़ी जड़ दें, तो वो आपका रिस्पॉन्स है जो आपने फटाफट किया, बट वो किसके कंट्रोल में था, वो न्यूरल कंट्रोल में था, क्योंकि इम्पल्स जनरेट होती है, और इम्पल्स जो है वो आप मालूम है ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना जल्दी जो है दौड़ जाता है, आप इधर स्विच ऑन करते हो उधर पंखा चल जाता है, तो सेम कंडीशन है। तो न्यूरल कंट्रोल थोड़ा फास्ट होता है, हॉर्मोन कंट्रोल एज कम्पेयर टू न्यूरल कंट्रोल बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट हॉर्मोन्स जो हैं वो भी मैसेंजर का ही काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन या एक्टिविटी के लिए मैसेज लेके जाते हैं टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन के पास में, ताकि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। अब इस चीज़ को आप समझेंगे कैसे, समझने के लिए ऐसे है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक कमरे में बैठ के मतलब खाना खा रही हूँ, और मेरी मम्मी शायद हो सकता है मे बी किचन में खाना बना रही हो और मुझे चपाती ये हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने छोटे भाई को या बहन को मैं बोलूंगी कि भैया तुम जाओ और मम्मी को जाके बोलो कि मुझे चपाती दे, तो वो क्या हो गया, वो एक मैसेंजर हो गया जो मेरे से जा रहा है और मम्मी को जाके बोल रहा है कि हाँ भाई उसको उनको चपाती चाहिए खाने के लिए। तब उसका जब रेस्पॉन्स होता है तो वो क्या होगा कि मम्मी चपाती को बनाएगी एंड देन चपाती जो है मुझे मिलेगी। तो वो एक्चुअल में हुआ क्या, वो जो काम कर रहा है, जो छोटा भाई या बहन काम कर रहा है मैसेज लेके जाने का, उसी तरह से हॉर्मोन्स होते हैं। तो हॉर्मोन्स हैं क्या, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक मैसेज को लेके जाने का काम करते हैं, ताकि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो सके। और हॉर्मोन जरूरी नहीं है कि केवल किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाए, समटाइम कोई हॉर्मोन अपने जैसे दूसरे हॉर्मोन के रिलीज होने को या फिर इनहिबिट होने को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिए चूंकि इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स हैं और बहुत सारे हॉर्मोन्स के बारे में है, तो हम लोग एक ब्रीफ में इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि लर्निंग बेसिस पे भी है थोड़ा, कुछ कुछ चीजें समझने के लिए भी है। तो हम लोगों ने चूंकि सिस्टम्स कर लिए हैं, तो आपको सारे सिस्टम जो है आपके माइंड में है, तो हर एक सिस्टम को कंट्रोल जो है वो न्यूरल कंट्रोल तो उनका हो ही रहा है, उसी के साथ साथ में उनका हॉर्मोनल कंट्रोल भी होता है, राइट। तो वो सभी चीजें हम कंबाइंड भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अभी देखिए कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं,
उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं, इनके पास में डक्ट्स नहीं है जिसके थ्रू ये अपने हम बोलते हैं कि केमिकल को रिलीज करें। तो ये विदाउट डक्ट यानी कि डायरेक्टली क्या करती हैं, अपना जो भी उनका केमिकल होता है उसको ब्लड के अंदर रिलीज कर देती है। और ब्लड जो है वो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे सारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है ना, एक तरह से डाक वो हो गया, हम ये बोल देते हैं कि डाकिया हो गया जो किसी हम बोलते हैं डाक को या लेटर को लेके जाने का काम करता है, पुराने जमाने में होता था ना ऐसे। तो वैसे वो ब्लड है, वो ब्लड भी क्या करता है, इन हॉर्मोन्स को लेके जाता है। हॉर्मोन्स क्या है, वो आपके लेटर्स हैं, मैसेज है जिनके अंदर, जिसको हमें टारगेट जो उनका घर होता है वहां तक पहुंचाने का काम होता है। वैसे ही ब्लड भी क्या करता है, उन मैसेंजर्स को, केमिकल मैसेंजर्स को लेके जाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक और वहां ले जाकर उसको मैसेज को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो हॉर्मोन को रिलीज करती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है ये केमिकल मैसेंजर है जो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर, आसान शब्दों में। अभी देखिए कौन कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, जो पर्टिकुलर सिर्फ हार्मोन रिलीज करने का काम ही करती है। कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी बॉडी हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि पर्टिकुलर उनका फंक्शन तो कुछ और होता है लेकिन वो साथ साथ में हार्मोन को भी रिलीज करती है। इस वजह से हम उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं बोलते, उनके पर्टिकुलर पोर्शन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ बिहेव कर रहा है तो वो कोई हार्मोन को पर्टिकुलर रिलीज कर रहा होगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जैसे कि फॉर द एग्जांपल स्टार्ट करते हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन एरिया से स्टार्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, आपके फोरब्रेन का पार्ट है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये तीनों ही जो है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देन अगर नेक रीजन में आ जाते हैं तो थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड आपके हम ये बोल देते कि ट्रेकिया जो उसके लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड आपके थायराइड के पीछे हम ये बोलते हैं कि टू पेयर्स में होती है, तो ये थायराइड एंड पैराथायराइड। थोड़ा और नीचे आएंगे थोरेसिक एरिया में तो वहां पे थाइमस मिलेगी, थाइमस आप जानते हैं चाइल्ड स्टेज के अंदर अच्छी होती है, देन एडल्ट में जब आते हैं तब ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमें बोलते हैं कि ये नष्ट होने लगती है। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमें बोलते हैं कि थाइमस जो है वो धीरे धीरे नष्ट ही हो जाती है, हम ये बोलते हैं कि नष्ट हो गई है। चलिए फिर है पैनक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आपने पैनक्रियास पढ़ा है जो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव भी करती है। और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब हुआ हम बोलते हैं डक्ट वाली ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू एंजाइम्स जो है उनका सिक्रेशन करती है। तो ये कुछ पैनक्रेटिक एंजाइम सिक्रेट करती है डुओडेनम पार्ट में जहां पे डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो पैनक्रियास एक्सोक्राइन पार्ट तो बीकर ही इसका प्रेजेंट है, उसके साथ इसका एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दोनों नाम हम लोगों ने डाइजेशन के टाइम पे ही बता दिए थे, फंक्शन आज डिस्कस कर लेंगे। नाउ एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी वन पेयर में प्रेजेंट होती है, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये भी कुछ हॉर्मोन्स जो है सिक्रेट करती है। ठीक है, फिर है हमारे रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जैसे कि ओवरी एंड टेस्टिस, ये भी हॉर्मोन रिलीज करते हैं जो एक्चुअल में सेक्सुअल हमें बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और ओव्यूल फॉर्मेशन हम बोलते हैं ओवम के फॉर्मेशन के लिए, एग फॉर्मेशन के लिए जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गैमेट फॉर्मेशन जो है वो हो उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो इन बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिलीज्ड हार्मोन की वजह से होता है। तो ये दोनों भी जो हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि लीवर, लीवर भी हार्मोन रिलीज करता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, और हमारा हार्ट जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है तो वो भी जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं। उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं बोलेंगे बट हाँ वो भी हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो उसके बारे में भी एक छोटा सा हम लोग ग्लिम्प्स जो है वो हमारे आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स के नाम आप सबको याद हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा डिटेल अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, तो आज हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस जो है आपके डाइसिफेलोन जो है यहां से जो है इसमें इस स्ट्रक्चर से अराइज होती है। ठीक है, एक हाइपोथैलेमस जो है इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलने का मतलब ये हुआ क्योंकि एक्चुअल में इससे एसोसिएटेड रहती है, जुड़ी रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। रीजन ये होता है कि वो
कुछ हॉर्मोन्स, कुछ नहीं, वो कई सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है जो क्या करती है, बाकी जितनी और ग्लैंड्स हैं उनसे रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, यानी रिलीज करवाती है या फिर इनहिबिट करवाती है, दोनों ही तरह के फंक्शन हो सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दूसरी ग्लैंड्स के ऊपर मास्टर का काम कर रही है, उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को जो कंट्रोल करने का कर रहा है, जो उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है या फिर हम कह सकते हैं रिलीज करवा रहा है या फिर इनहिबिट करवा रहा है, वो काम कौन कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस करता है। दैट्स व्हाई हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस है आपकी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इतना क्लियर हुआ दिमाग में? चलिए अब देखिए हाइपोथैलेमस रीजन जो है वो एक्चुअल में है क्या, वहां से कुछ न्यूरॉन्स निकलती है। आप जानते हैं न्यूरॉन्स जो है उसके एक्सोन के अंदर क्या होता है, इंपल्स क्रिएट होती है, एंड देन जो उनके सिनेप्टिक नोब्स होते हैं वहां से न्यूरोट्रांसमीटर या वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है, हॉर्मोन्स ही है जो हॉर्मोन्स को वो रिलीज कर रही है, कौन, हाइपोथैलेमस। अब दो कंडीशन है, एक तो क्या होता है हाइपोथैलेमस जो है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, यानी वहां प्रेजेंट न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन जो है वो किसका बना है, न्यूरॉन्स का ही तो बना है। तो यहां पर जो ये हाइपोथैलेमस है ये अपने हम बोलते हैं कि न्यूरॉन से रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्चुअल में क्या है, हॉर्मोन है, ठीक है। तो एक तो यहां पे हाइपोथैलेमस एरिया के अंदर ही क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है यानी हॉर्मोन रिलीज हो रहा है। ये हॉर्मोन जो है ये डायरेक्टली हम ये बोलते थे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसके एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसके जो हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करवाने का या फिर उनको इनहिबिट करवाने का काम करता है, ठीक है। बट अब देखिए पिट्यूटरी अपने खुद के हॉर्मोन रिलीज करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी के खुद के स्वयं के हॉर्मोन्स होते हैं जिनको वो रिलीज करती है, बट वो रिलीज या इनहिबिट होगा, वो रिलीज होगा या फिर वो नहीं होगा, ये डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन से, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं हुआ है। पहले हाइपोथैलेमस अपने हॉर्मोन रिलीज करेगा, उसको ब्लड के अंदर सब देगा, एंड देन ब्लड से सप्लाई होगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड देन उनका क्या होगा, इनहिबिशन होगा या फिर वो रिलीज हो पाएंगे। तो कंट्रोल किसके थ्रू हुआ, हाइपोथैलेमस के थ्रू हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो ये हाइपोथैलेमस है ये क्या कर रहा है, अपने पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर उन हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का हम ये बोले एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम किया, एक तो इस तरीके से होगा। दूसरा अब ये देखिए, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस शब्द जो आता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए आता है, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स जिसको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि ये एक्चुअल में तो क्या है, हाइपोथैलेमस के खुद के ही है न्यूरोट्रांसमीटर हॉर्मोन्स है, बट ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ये जो इनके न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक नोब है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक फैले हुए हैं। तो एक्चुअल में ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स है बट चूंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये रिलीज हो रहे हैं तो हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट भी बोल देते हैं। तो डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के अंदर हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, इसको हम बोल रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए पिट्यूटरी के, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज करवाता है या फिर इनहिबिट करवाता है, या उसके खुद के हॉर्मोन ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए ये कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करवा रहा है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो दो तरह के, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए दो तरह के हॉर्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक तो रिलीजिंग हॉर्मोन और एक इनहिबिटरी हॉर्मोन। रिलीजिंग हॉर्मोन जो है उनको हम क्या बोल रहे हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, यानी कि गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन जो कि रिलीज होता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि गोनाड्स जो है उनके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसको रिलीज करवाने का काम करता है, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से। इनहिबिटरी हॉर्मोन कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करवाता है, ये जो ग्रोथ हॉर्मोन है उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, यानी कि अगर ये सिक्रीट होगा तो ग्रोथ हॉर्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करवाने का काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आए। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल दिए गए एनसीईआरटी के अंदर दो, तो आपको उन दोनों को ध्यान रखना है, रिलीजिंग या इनहिबिटरी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन है। तो जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दैट, उन्हीं के ऊपर करिए, उसके आगे मत बढ़िए, ठीक है। चलिए नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस खुद इसके भी हम क्या बोल सकते हैं कि दो पार्ट है, इसका दो पार्ट है, एक आपका इंटीरियर पार्ट जिसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, ये है पार्स डिस्टेलिस, डिस्टेलिस यानी ये भी अपने हॉर्मोन रिलीज करता है,
एक होता है इंटरमीडिया। इंटरमीडिया जो है एक्चुअल में ये जो है एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए बोला है पार्स इंटरमीडिया, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, क्योंकि ये न्यूरल कंट्रोल में है डायरेक्ट। तो तीन पार्ट हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के, और एक छोटे से स्टॉक के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये है इनफंडिबुलम, जिसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। तो शॉर्ट में देख रहे हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं कौन कौन से हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो देखिए पार्स डिस्टेलिस जो है वो कई तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है। कौन कौन से है? सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? कोई भी अगर हम ये बोलते हैं कि ह्यूमन है, तो उसकी हम बोलते हैं कि रिलीज करके वो क्या करेगा, उसकी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगा, उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में प्रमोट करता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को और टिश्यू बिल्डिंग को। तो प्रोटीन एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो एनर्जी देता है, लेकिन सबसे लास्ट में, यानी मेन एनर्जी सोर्स तो उससे नहीं है ये। हम इसको बोलते हैं कि ये एक्चुअल में ये प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में सिर्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए मेन इनका रोल होता है। ये टिश्यूज फॉर्म करवाने में हमें जो है ना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रोटीन की ही सेल मेम्ब्रेन जो है बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की, राइट? तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, टिश्यू बिल्डिंग के अंदर इनका मेन रोल होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम हुआ ग्रोथ हार्मोन का। अभी देखिए, अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रिट होगा तो हाइट ज्यादा होगी, कम सिक्रिट होगा, जरूरत से कम होगा, तो ये क्या होगी? हाइट जो है वो कम होगी। याद रखिए हार्मोन हमेशा हमेशा जो है ना ट्रेस अमाउंट के अंदर ही रिलीज होते हैं, यानी एक सर्टेन अमाउंट ही उनकी क्या होती है, ऑप्टिमम एक रेंज होती है इनकी, जिसमें हार्मोन रिलीज होता है तो वो अपने फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करते हैं। उससे ज्यादा या कम होने पर रेंज में क्या हो सकती है? आपको डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो वो एक तरह से हार्मोन हमेशा ट्रेस अमाउंट के अंदर ही क्या होंगे? रिलीज होंगे। अब देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ तो क्या हुआ? गिगेंटिज्म हुआ। कम हुआ तो ड्वार्फिज्म हुआ, हाइट कम रह गई या हाइट बढ़ी रही। एक्रोमेग्लिया क्या है? एक्रोमेग्लिया भी एक्चुअल में गिगेंटिज्म ही है, और स्ट्रक्चर जो होती है, बॉडी शेप जो होती है वो बिगड़ जाती है, लेकिन एक एज के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो तब ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और अगर हम ये बोलते हैं बचपन में ही ऐसा हो गया हो कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हाइट जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक्रोमेग्लिया के केस में ये होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्योंकि एक एज के बाद में वो अचानक से रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब तक बाहर मोर्फोलॉजिकली इसके करेक्टर शो ना हो तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये पर्टिकुलर हम बोलते हैं हार्मोन की हार्मोन जो है ना वो हम बोलते हैं कि डिसबैलेंस जो है वो हो गया है, उसका रिलीज जो है डिसबैलेंस हो गया है, तो वो चीज़ जो है ना वो हमें पता ही नहीं चलती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये हो गया ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड जो होती है उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है और मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है। तो ये फॉर्मेशन करवा रहा है मिल्क का। याद रखिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूं आपको क्योंकि इजेक्शन नहीं करवा रहा है। दो प्रोसेस, दो चीजें हैं। एक मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, दूसरी कंडीशन होती है मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क प्रोड्यूस होना अलग फिनोमिना है, मिल्क का रिलीज होना अलग फिनोमिना है। यहां पर मिल्क जो है प्रोड्यूस करवा रहा है कौन? प्रोलैक्टिन। अब ये देखिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है 7 to 8 months के अंदर भी कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बर्थ के बाद में जो है मिल्क फॉर्म नहीं होता, ये उससे पहले ही हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन। बट इजेक्शन जो है वो कब होगा? जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, और यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेबीज का बर्थ हो जाएगा, उसके बाद में मिल्क का इजेक्शन होता है ताकि नरिशमेंट हो सके जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है उसका। क्लियर? तो प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा है? फॉर्मेशन करवा रहा है। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्वेश्चन जो है आंसर गलत मार्क कर देते हैं। चलिए आगे, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन जो है उसके सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि जब ये रिलीज होगा तब ये थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जो है हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन एक्चुअल में करता क्या है? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको रेगुलेट करता है, यानी फैट लिपिड एंड प्रोटीन जो है इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, राइट? तो चलिए, ये हुआ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिर आ जाता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक वर्ड से समझ में आता है कि एड्रिनल ग्लैंड के हम ये बोल रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रेट होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इसके रिलीज को ये क्या करता है? कंट्रोल कर रहा है।
यहाँ पे वर्ड क्या आया है, यहाँ पे किसी तरह का इनहिबिशन शब्द नहीं आया, तो समझ जाइए ये सिंथेसिस ही कर रहा है, उसको सिंथेसाइज करवाएगा, उसको रिलीज करवाएगा, सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे फिर से पढ़ेंगे। LH मेल एंड फीमेल में डिफरेंट फंक्शन करता है। LH मेल के अंदर क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन, जो कि उसके सेक्सुअल करेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उस हार्मोन को क्या करवाता है, रिलीज करवाता है, यानी कि गोनाड्स के ऊपर जाकर ये क्या कर रहा है, गोनाड्स से सिक्रीशन करवाने को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एंड्रोजन एक्चुअल में हमें बोले टेस्टिस जो होते हैं उनसे रिलीज होने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो ये एंड्रोजन का सिक्रीशन करवा रहा है, सिंथेसिस करवा के सिक्रीशन करवाएगा। फीमेल में ये क्या करेगा, तो फीमेल के अंदर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उसका रिलीज करवाएगा, ताकि एग जो है फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाए एंड देन वहां फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का ये क्या करवा रहा है, यहाँ पे रिलीज करवा रहा है ओवरी से, तो उसकी वजह से जो फॉलिकल का हम कहते हैं ना कि जो हिस्सा ओवम के रिलीज के बाद में जो फॉलिकल का आउटर एरिया, आउटर लेयर्स जो रह जाएंगे, जिनको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, तो वो कार्पस ल्यूटियम जो है उसको भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो देखिए ओव्यूलेशन जो है उसको इंड्यूस कर रहा है और कार्पस ल्यूटियम जो है उसको मेंटेन रखने का काम कर रहा है। FSH ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग शब्द से ही समझ में आ रहा है, फीमेल के अंदर फॉलिकल्स जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, यानी कि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इन सब का जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, इस फैक्टर्स का जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो LH एंड FSH का रोल है ये किसमें, मेल के अंदर। तो आप इस तरीके से चार्ट बनाकर भी इनको याद कर सकते हैं, और हमारी बुक्स में भी हमने इस तरह के चार्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कुछ और हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन MSH। मिलेनोसाइट वर्ड आया, समझ जाइए कि मिलानिन जो पिगमेंट है को, उसके प्रोडक्शन को ये कंट्रोल कर रहा है। अब उसका प्रोडक्शन होता कहाँ है, मिलेनोसाइट सेल्स के अंदर। तो मिलेनोसाइट्स के ऊपर क्या करेगा ये, उसको हम कहते हैं कि उसके ऊपर एक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा कि मिलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पिगमेंटेशन ज्यादा होगी, तो इसका हाइपर सिक्रीशन जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन जो है उसको कॉज कर देता है, ठीक है ना, वो कंडीशन आ जाती है। फिर आ जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं वैसोप्रेसिन को। अभी देखिए दोनों के बारे में आप समझते हैं, ये दोनों ही है तो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, बट ये रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसलिए हम इनको बोल देते हैं कि ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके हॉर्मोन है। तो देखिए ऑप्शन जिस तरह से दिए गए हो उस तरीके से इनको मार्क करिए। चलिए फिर आ जाते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। तो ऑक्सीटोसिन जो होती है एक्चुअल में जो यूट्रस होता है उसकी जो स्मूथ मसल्स है, क्योंकि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बेबी की डिलीवरी के टाइम पे, वो सेल्फ रेगुलेटेड तो है नहीं, वो तो अचानक से डेवलप होता है, तो ये जो फंक्शन करती है वो वहां पे प्रेजेंट स्मूथ मसल्स करती है, तो उनको स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़वाने का काम करती है कौन, ऑक्सीटोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेबीज का क्या होगा, बर्थ होगा, प्रेशर लगेगा, बेबीज जो है उसका बर्थ होगा। सेकेंड कंडीशन, जब बेबीज का बर्थ होगा तो उसके नरिशमेंट के लिए मिल्क चाहिए, तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन जो होता है वो करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन याद रखिए। मिल्क फॉर्मेशन किससे था, प्रोलैक्टिन से था, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। फिर आ जाता है वैसोप्रेसिन एंड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों बोल रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक्चुअल में जो आपके हमने नेफ्रॉन्स पढ़े हैं, तो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जो DCT है, DCT के अंदर आपको मालूम है रीअब्सॉर्प्शन होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो होती है यूरिन की जो है वो डेवलप होती है। अगर वहां पे वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि वाटर लॉस जो है वो यूरिन के थ्रू ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ADH क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब ये हो गया कि ADH जो है जितना ज्यादा रिलीज होगा वो स्टिमुलेट करेगा रीअब्सॉर्प्शन, वाटर जो है उतना ही ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी उतने ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही काम करवा रहा है। अगर ये सिक्रेट होना बंद हो गया, कम हुआ, तो क्या कंडीशन होगी, कम हो जाएगा तो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, यानी यूरिन के साथ वाटर जो है लॉस बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन कब होती है, डायबिटीज इंसिपिडेंस के अंदर, इंसिपिडस के अंदर, ठीक है। तो ये डिजीज हाइपोसिक्रीशन से डेवलप हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है ये आपके ये भी ब्रेन पार्ट में ही प्रेजेंट है। पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है मेलाटोनिन हार्मोन।
एक ही याद रखिए, दो ही चीजें पूछी जाती है। मेलाटोनिन जो है एक्चुअल में करता क्या है, ये हमारे 24 आवर का जो ये डे नाइट वाला जो रिदम चलता रहता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि हम दिन के समय उठ जाते हैं, आप सोच के देखो ना, रात के समय तो आपको नहीं होती इच्छा कि आप एक्टिविटीज करिए, खाना बनाइए, बैठ के जागिए, पढ़े, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ऐसा नहीं होता। सुबह के टाइम पे आप लोग सारी एक्टिविटीज करते, बट रात के टाइम पे आपको नींद आने लग जाती है, स्लीपी आप फील करने लग जाते हैं। तो ये जो डायुर्नल कंडीशन है ये डेवलप, इसको रेगुलेट करने का काम करता है मेलाटोनिन। ठीक है, एक तो ये काम किया, दूसरा आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके करेक्टर। तो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाले मेलाटोनिन के फंक्शन पूछे जाए तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए और याद रखिए एज इट इज। चलिए, उसके अलावा ये पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। साइक्लिक प्रोसेस हो रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, तो वो साइक्लिक प्रोसेस को ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, पीनियल के बाद में नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है थायराइड। थायराइड बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। आप लोगों ने बहुत बार थायराइड कि उसको थायराइड है, इसको थायराइड है ये सुना होगा, लेकिन आपने कभी गौर किया कि किसको हाइपर थायराइड और किसको हाइपोथायराइड है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है उसका? तो देखिए, थायराइड जो है ये एक्चुअल में ग्लैंड जो है ये आपके ट्रैकिया जो होते हैं उसके लेटरल पोजिशन में प्रेजेंट होती है। फिर ये स्थमस जो होता है, एक कनेक्टिव टिश्यूज उसके थ्रू कनेक्टेड रहती है। कई ये जो है थायराइड, ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है, कौन कौन से, थायरोक्सिन और एक ट्राईआयोडोथायरोनिन। एक्चुअल में इनके हॉर्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आयोडीन अगर कम होगा, है ना, अगर आप कम खाते हैं, आयोडीन को अगर कम लेंगे तो ये हॉर्मोन जो है क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी, ये हॉर्मोन जो है कम बनेंगे तो सिक्रीशन क्या हुई, हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या हुआ, गोइटर हो जाता है ना, जिसकी वजह से गर्दन फूल जाती है, ये कंडीशन होती है। तो अब ये समझिए ये होता क्यों है, क्या रीजन क्या है। तो ये करते क्या है, ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनके मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अभी देखिए, अगर हाइपोसिक्रीशन है यानी कम सिक्रीट होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। अगर ये ज्यादा सिक्रीट हुए, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपके डेली जो हम बोलते हैं ना बीएमआर रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर बीएमआर रेट बढ़ गई तो होगा क्या, आपके मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये जो आपके फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये बचेंगे नहीं, तो आप क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा आपका। तो वो हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ज्यादा सिक्रीट हुआ तो फंक्शन क्या परफॉर्म किए, मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, ये आयोडीन की रिक्वायरमेंट रहती है खुद के फॉर्मेशन के लिए। चलिए, तो आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा ये वाटर जो है उसके, हम ये बोल रहे हैं कि उसका भी मेंटेन कर रहे हैं ब्लड के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है। अभी कम कैसे होगा, ब्लड का कैल्शियम के कम होने की कई कंडीशन है, या तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, किसके अंदर, बोन्स के अंदर, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा यूरिन के साथ में क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, तो वो भी एक कंडीशन है कि कैल्शियम क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम कर रहे हैं। इसी के कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर हम देखें तो जो पैराथायराइड होती है, जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट होती है कहां, आपके जो दोनों थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे पेयर्स में होती है, दो पेयर्स में होती है, दोनों लोब के ऊपर देखो वन वन पेयर प्रेजेंट है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं ये एक्चुअल में कैल्शियम आयन्स को ब्लड के अंदर उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। अभी इंक्रीज कैसे करेगा, या तो जो आपके बोन्स हैं उनसे क्या हो जाए, कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर आ जाए। दूसरी कंडीशन है कि आपके जो यूरिन जो फिल्टर हुआ है उस यूरिन से रीअब्जॉर्प्शन हो जाए कैल्शियम का बहुत ज्यादा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो बढ़ना और कम होना है, ये दोनों थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन जो है ये दोनों ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस एक्चुअल में ये हमारे हार्ट जो है, हार्ट और एरोटा जो होती है उसके दोनों, हम ये बोलते हैं कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। थाइमस का मेन रोल क्या है ये याद रखिए, थाइमस जो होती है ये जो है लिम्फोसाइट सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये जो है ना इनको बनाने का काम कर रही है ना, इसको, ये टी लिम्फोसाइट सेल्स को, तो ये एक्चुअल में सेल मेडिएट इम्यूनिटी डेवलप करती है। बट थाइमस ग्लैंड का ये है कि ये चाइल्डहुड स्टेट के अंदर वेल डेवलप होती है और धीरे धीरे एडल्ट के अंदर हम देखते हैं तो ये डीजनरेट होने लग जाती है, तो ये नष्ट होने लग जाती है। इस कंडीशन से हम ये बोल देते हैं कि एडल्ट जो होता है उसके अंदर इम्यूनिटी अगर आप देखोगे तो बहुत कम होती है। नॉर्मली कोई भी अगर उसको कफ एंड कोल्ड हो जाए,
तो उस कंडीशन के अंदर उनकी सर्वाइवल उनके जो वो जो कंडीशन है कि वो बहुत जल्दी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कर पाते हैं, तो वो कंडीशन क्यों है, क्योंकि उनके अंदर थाइमस जो है वो डीजेनरेट हो गई है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो इम्यूनिटीज जो है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो वीक होता चला जाता है। तो एक्चुअल में करते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट जो है इनको डिफरेंशिएट करते हैं, सेल मेडिएट इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करवाते हैं, प्रोवाइड करवाती है कौन, थाइमस। तो थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिक्रेट कर रही है, पेप्टाइड हॉर्मोन सिक्रेट करती है, थाइमोसिन हम इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए, क्योंकि हम कभी गौर ही नहीं करते इन छोटे छोटे ग्लैंड की एक एक दो दो हॉर्मोन दिए होते हैं हमें, तो बड़े बड़े लंबे लंबे जो दिया होता है ना वो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो भी डेवलप करते हैं, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम भी है थाइमस का। बट मेन क्या, टी लिम्फोसाइट सेल को डिफरेंशिएट करती है, तो ये हम इम्यूनिटी के अंदर भी पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है, अभी देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनीज के ऊपर वन पेयर में प्रेजेंट होती है, दोनों किडनी पे एक एक है। एड्रिनल ग्लैंड जो है अगर आप उसका सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि इसके अंदर क्या है, आपके दो पार्ट है, एक तो होता है एड्रिनल, ये आपका मेडुला पार्ट है, दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला आपको नजर आ रहा है, ये है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स जो होते हैं वो जो हॉर्मोन रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि एड्रिनल मेडुला जो सिक्रेट करते हैं वो कौन से हैं, कैटेकोलामाइंस हॉर्मोन्स है वो, ठीक है। दो तरह के हॉर्मोन्स हैं जो मेडुला एंड कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं। कॉर्टेक्स जो है वो भी उस तीन लेयर्स होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलेटा, ठीक है, रेटिकुलेरिस। दूसरे आ रही है जोना फेसिकुलेरिस, ये होती है मिडल के अंदर, और सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो तीन है, अब ये लेयरिंग बताने का रीजन यही है क्योंकि ये जो हॉर्मोन रिलीज कर रही है वो भी आपको याद करना इजी हो जाए। जबकि एड्रिनल जो है मेडुला पार्ट जो है वो दो हॉर्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, इसके दूसरे नाम भी याद रख सकते हो, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये दोनों शब्द जो है आप याद रख सकते हो। चलिए अभी जो है मेडुला इसका कॉर्टेक्स पार्ट है जो कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज करता है, तो कॉर्टेक्स जो है मेनली कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन जो है उनको रिलीज करता है, उसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन रिलीज होते हैं, और एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन जो कि हम बोल रहे हैं कि मेडुला पार्ट से रिलीज होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है उसको स्टिम्युलेट करता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। इसके अलावा लिपोलाइसिस या प्रोटियोलाइसिस फंक्शन जो है ना वो कर रहा है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ग्लूकोज की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा ब्लड के अंदर जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा। इसी के अलावा अगर आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को देखोगे तो ये रेगुलेट करेंगे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर और उसके साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम है इनका, ओस्मोटिक रेगुलेशन का काम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कई बार हम लोग इसको गौर ही नहीं करते। फिर इसके अलावा जो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन जो है ये एक्चुअल में इमरजेंसी हॉर्मोन है, घबराहट के समय जो है एड्रिनलिन हॉर्मोन जो है वो रिलीज होता है, इमरजेंसी हॉर्मोन इसको बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एक्चुअल में इमरजेंसी हॉर्मोन है एड्रिनलिन, तो इसके हाइपोसिक्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाएगा, और हमारी जो हम बोलते हैं ना हार्ट, जो हमारी हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगी, लंग्स की रेट जो है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हाइपर सिक्रीशन होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी हार्ट बीट जो है ना वो भी बढ़ जाएगी। अभी देखिए कैसे समझेंगे इसके टाइम इसको, कि अगर आप लोगों को अचानक से एग्जाम टाइम होता है तो घबराहट होने लगती है, जैसे ही घबराहट होने लगती है तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन जो है ना सांस लेना वो भी बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में होता है क्या, ब्लड प्रेशर उस टाइम पे हमारा जो रेट होती है हमारे ब्रीदिंग की वो भी इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होगी तो हार्ट जो है उसको पंप भी क्या करेगा, हार्ट रेट जो है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हाइपर सिक्रेशन की वजह से कंडीशन होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो जाता है वो भी बढ़ जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हाइपोसिक्रेशन हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्रीदिंग रेट कम, एंड हमारा जो हार्ट है उसकी भी रेट, हार्ट के पंप होने की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हॉर्मोन्स है कुछ एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। चलिए पैनक्रियाज, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आपको पता है मैंने इन दोनों हॉर्मोन के बारे में बताया था, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये एक्चुअल में यहां पर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार पूछा है, अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करती है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है। दोनों का काम एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। क्या काम है, इंसुलिन जो है वो रेगुलेट कर रही है ग्लूकोज का, यानी कि वो क्या करवाती है, ग्लाइकोजिनेसिस करवाती है, यानी कि ग्लूकोज जो है
वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाए। जबकि ये ग्लूकागोन जो है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, यानी कि ये सेम कंडीशन है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है उसको इंक्रीज करवा देता है, चाहे लिपिड से हो, चाहे वो प्रोटीन से हो, किसी भी और अनदर बायोमोलिक्यूल, जिससे वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। अभी देखिए कैसे काम कैसे किया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो होगा क्या, जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये पैनक्रियास से क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन होगा ब्लड में। जैसे इंसुलिन आएगा ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम रेंज में आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये हुई कि वो ऑप्टिमम रेंज से भी क्या चला गया, कम चला गया। इस कंडीशन के अंदर पैनक्रियास से रिलीज होगा ग्लूकागोन हार्मोन, जो क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोजन को ग्लूकोज बनाएगा, या फिर अनदर बायोमोलिक्यूल प्रोटीन एंड फैट एंड उनसे क्या करेगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, वापस ऑप्टिमम रेंज में आ जाएगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो ऑप्टिमम रेंज में रहनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन है, या तो क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई, तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हुआ ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हुआ ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। अभी कंडीशन से क्या डेवलप होगा, हाइपोसिक्रीशन हुआ ग्लूकोज का कम हुआ तो डायबिटीज मेलिटस हो गया, हाइपरसिक्रीशन हुआ ज्यादा हुआ तो इंसुलिन शॉक, हाइपोसिक्रीशन हुआ ग्लूकोज इसका ग्लूकागोन का तो होगा क्या, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, जरूरत से कम है ना, ऑप्टिमम रेंज से कम हो जाएगी। चलिए गोनाड्स, गोनाड्स जो है टेस्टिस एंड ओवरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन है, लीडिंग सेल्स जो है उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है मेल्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, और स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करवाता है टेस्टोस्टेरोन। और इनहिबिन जो है वो एक्चुअल में इनहिबिट करता है FSH का रिलीज को पिट्यूटरी से, यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म हो गया भाई ये तो, क्योंकि FSH का रिलीज होगा तो होगा क्या, FSH का रिलीज होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा, और अगर इनहिबिन रिलीज होगा तो FSH सिक्रिट नहीं होगा, FSH सिक्रिट नहीं होगा, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा किसके अंदर, टेस्टिस यानी कि अभी हम मेल की बात करें तो उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। हाइपोसिक्रीशन व टेस्टोस्टेरोन का तो होगा क्या, फेमिनिज्म आ जाएगा, यानी कि मेल कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, डेवलप नहीं होंगे, फेमिनिन कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप करेंगे, ठीक है ना, वो डेवलप क्या करेंगे, वो मतलब ज्यादा शो होने लगेंगे। चलिए एंड्रोजन फंक्शन, एंड्रोजन क्या क्या काम कर रहा है, देखिए एंड्रोजन जो है वो कई तरह के काम करता है, जैसे कि स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, आप जानते हैं मेल जो होते हैं उनकी मसल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कितनी ज़्यादा मतलब कि वो मसल्स डेवलप्ड रहती हैं, एग्रेसिव नेचर, कितना गुस्सा आता है लड़कों को, ये मतलब उनके सेकेंडरी करेक्टर है। फिर रेगुलेट करता है मेल से उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं सेकेंडरी, तो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाता है। इसके अलावा वॉइस जो है उसका पिच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लो पिच की होती है पर बहुत भारी होती है उनकी वॉइस, और स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा। उसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उनके, हम ये बोल रहे हैं कि उनका जो बनना है वो करवाएगा, यानी कि एनाबॉलिज्म होगा। फिर हम ये बोल रहे हैं कि मेल जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ एंड्रोजन। इसके अलावा फेशियल हेयर का डेवलपमेंट, चेस्ट पे हेयर डेवलपमेंट, ये सब कंडीशंस डेवलप होगी। चलिए फीमेल में अगर हम बात करें तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से। ईस्ट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, वो फीमेल सेक्स जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं उनको डेवलप करवा रहा है, और उसके अलावा ओवा जो है उसका हम ये बोल रहे हैं कि स्टिमुलेट कर रहा है उसका मेच्योर होना, और उसका रिलीज होना जो है वो तो LH के कंट्रोल में है। चलिए बट उसका हम बोल रहे हैं मेच्योर होना जो है उसको कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन। तो ये जो है एक्चुअल में ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो यूट्रस में चाहिए होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। देखिए ये प्रेगनेंसी जो होती है ना उसको प्रमोट करता है प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये एक तो वह काम करेगा, दूसरा ये जो है हम ये बोलते हैं प्लेसेंटा है उसको फॉर्म करवाएगा, और मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है उनको भी स्टिमुलेट करेगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हाइपोसिक्रीशन होगा तो एबोर्शन हो सकता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन एक्चुअल में प्रेगनेंसी हॉर्मोन है। चलिए इसके अलावा हार्ट जो है वो भी रिलीज करते हैं कुछ हॉर्मोन, ANF जो क्या कर रहा है
ब्लड वॉल्यूम जो है उसको रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है एंड सोडियम कंसेंट्रेशन को. तो ये जो है ब्लड वॉल्यूम प्रेशर एंड सोडियम कंसेंट्रेशन पे काम करता है कौन, ANF. किडनी की बात करें तो इरिथ्रोपोइटिन जो है उसको ये सिक्रेट करता है. ये एक्चुअल में किडनी से सिक्रेट होने वाला इरिथ्रोपोइटिन जो है, रिलीज होने वाला इरिथ्रोपोइटिन, ये इरिथ्रोपोइसिस करवाता है. कहाँ पे रेड जो बोन मैरो होती है वहाँ पे RBC प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाता है ये. इसके अलावा रेनिन एंड कैल्सिट्रायोल्स जो है, रेनिन जो एक्चुअल में क्या करता है, ये आपको मालूम है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि किडनी के अंदर से जो ये रेनिन जब सिक्रेट होता है तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन उसका कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर. एंड वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में जो अब्सॉर्प्शन होता है कैल्शियम आयन का उसको बढ़ा देता है. इसके अलावा इंटेस्टाइन से रिलीज होता है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, NCCK एंड GIP. अब क्या कर रहा है गैस्ट्रिन तो स्टिम्युलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा. सिक्रेटिन जो है ये एक्चुअल में क्या करता है, ये करता है, एक्ट करता है एक्सोक्राइन पार्ट पे पैनक्रियास के, यानी कि ये स्टिम्युलेट करता है सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, यानी पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करवाएगा सिक्रेटिन. फिर ये आ जाता है CCK, ये दोनों पे काम कर रहा है, पैनक्रियास पे और गाल ब्लेडर पे, और दोनों ही बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको सिक्रेट करवाने में हेल्प करेगा. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है उसको इनहिबिट करेगा. अभी देखिए फंक्शन कैसे होगा, गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक में जब फूड आएगा तब गैस्ट्रिन क्या करेगा, वहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाएगा. अगर फूड जो है वहां से काइम के फॉर्म में कहाँ आ गया, डूडेनम में आ गया, अभी उसका काम तो खत्म हो गया है गैस्ट्रिक जूस का, तो वहां पे ये GIP जो है वो क्या करवाएगा, उनके रिलीज को, गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को इनहिबिट कर देगा, ताकि अभी उनका सिक्रेशन ना हो. नाउ फूड के ऊपर काम करने का टाइम किसका है, पैनक्रियास का और गाल ब्लेडर से रिलीज होने वाले बाइल जूस का. तो वो सिक्रेट कौन करवाएगा, CCK और सिक्रेटिन, ठीक है, ये वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है जो इनके थ्रू रिलीज होते हैं. तो आज के हमारे इस टॉपिक में ऐसे ही है, और आपको ये भी मालूम है ये हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं, कि ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, किसी भी टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, वहां जाने के बाद में या तो ये वहां पे सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है, और समटाइम वो जेनेटिकल, हम ये बोलते हैं कि जो DNA होते हैं उन्हीं के अंदर चेंजेस ले आते हैं ताकि सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो और जिसकी वजह से पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो. तो हॉर्मोन के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, और एक ओवरव्यू हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मिल गया है, जो बार 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 हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे कई बार ये शब्द भी आते हैं, तो आप उसको रिलेट करके उसको और अच्छे से याद कर सकते हैं. अगर आपने पूरा अच्छे से वीडियो देखा होगा तो फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, तो फटाफट से ये फॉलो अप क्वेश्चंस है जिनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें भी याद रखिए मैंने डायग्रामेटिक क्वेश्चन जरूर डाला है. रीजन ये है कि आप डायग्राम्स जो है उनको याद करिए NCERT के, जितने ज़्यादा आप अच्छे से डायग्राम्स को लेकर किसी चीज़ को समझेंगे या याद करेंगे तो वो और अच्छा याद होगा. तो आज के लिए हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. तो पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय.